घर वगैरह में पानी घुस चुका, कैसे रहेगा बताइए आप लोग। और ये लोग चिल्लाते ना, ए नहीं चंप हो गई, टेंशन मत ले, नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं कि आप ये नदी कीजिए और खेत कीजिए। देख सकते हैं गाजी, ये बाढ़ की वजह से धीरे धीरे गाज ही पूरा पलट गया और रास्ता पूरा जाम हो गया। देख सकते हैं पूरा पानी घुस चुका गांव में, सबका घर में, सबको भैया टेंशन रहने का, कहां इसको टेंशन आगे का, कहां पानी है। तो हेवा देखिए, हेवा देखिए चड्डी पहन के छोड़वा है, हेवा देखो, हे देखो नाम खराब कर दिया है, ये गांव खोल के हो गाड़ी में साफ घुस ले। देख सकते हैं कि मौसम बहुत खराब हो चुका है यहां पे, इतना पानी है यहाँ पे, देखिए मेरा इतना पानी हो गया अभी, बताइए कितना पानी होगा अंदर। हम रोड पर है, हम जबकि रोड पे, अभी रोड पे, ठीक है चाची, तो खूब मजा ले पानी ना। हाँ यहाँ पे और खोल रहा है रोड पे, ये बिस्तर है और सैलाब और रोड, ये होता है क्या स्कूल के ऊपर, और सब देखिए नहा रहे हैं सब मिलके। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक, फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग की तरफ सैलाब आ चुका और हम लोग निकले हैं पानी का जायजा लेने के लिए, और देखते हैं किस गांव में कितना पानी और कितना हुआ, और इसी बहाने हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, नहाएंगे, और हम लोग पूरा ग्रुप के साथ जा रहे हैं, जबकि मेरे ग्रुप में लगभग 10 से 12 आदमी है। आपको सबसे मिलाते हैं, सबसे पहले छोटू नजर आ रहा है, साजिद खान, एक फैजान, एक जुकरू असगर, और गुलफाम पैठान, बेटा गुल्लू, जनवरी फरवरी चढ़ाना दिखाता है। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग के साथ में लगभग 3 गाड़ी है और हम लोग लगभग 10 हैं और रहेंगे, तो हम लोग तरफ कौन सा गांव डूब गया और कौन सा बाकी है, और हम नहाने के लिए, और एक चाचा है जो वो बोल रहे कि हम दिखाए मेरे तरफ, तो मैं उसको भी देख नहा रहे हैं, जब तपा में जवानी का मजा लेते हुए, और सैलाब का पानी जो भी आया उसमें नहा रहा है। तो चलिए इनसे शुरुआत, गाइस जैसा कि देख रहे हैं हम लोग मोटरसाइकिल जा रहा है, और ये अभी फिलहाल गाड़ी चला रहा है, क्यों मैं नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चलाता तो वीडियो नहीं बना सकता। अभी एक गाड़ी में तिरपल है, फिर पीछे उसमें भी तिरपल है, एक गाड़ी और है उसमें लगभग 4 आदमी है। गाड़ी भी देख सकते हैं कि पेट्रोल नहीं है फिलहाल, अभी जाएंगे सबसे पहले पेट्रोल पंप, पेट्रोल डाला फिर गाँव में पानी आया हुआ है, यानी हम लोग के घर के आस पास लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पानी आया हुआ है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, उसको दिखाएंगे भी, और फुल्ली इंजॉय लीजिएगा, और पसंद आए वीडियो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो का एंजॉय लें और वो भी देखें, और इतने ही वीडियो देखेंगे मेरे, देख रहे हैं आप लोग, तो कृपया करके आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम में मेल दिया हुआ उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, और हमसे कॉन्टैक्ट हो जाएगी, इससे बात भी हो जाएगी। तो चलिए आपको मिलते हैं जाए पेट्रोल पम्प में। फिलहाल हाई स्कूल हम लोग का यहीं पे है, तो इसीलिए जब भी इधर से क्रॉस करते हैं ना, वो बचपन वाला जिंदगी याद आ जाता है, जो स्कूल हम लोग पढ़ाई करते हैं, और हम लोग का स्कूल जो है ना हाई स्कूल दुर्गागंज में है, और ये हाई स्कूल दुर्गागंज का है, और इसी स्कूल में हम लोग पढ़े थे और पढ़ाई करते थे, और अभी स्कूल अगर देखते हैं तो हम लोग को याद आता है, और देख सकते पहले ये बाउंड्री इतना और नहीं था, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बाउंड्री हो चुका है। जैसा ही आपको हम बता रहे हैं, मैं गाड़ी का पेट्रोल खत्म और आ चुके हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद जाते हैं अभी नहाने के लिए, और देखेंगे बताएंगे आपको, तो भैया अभी पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे सैलाब को और नहाएंगे। 200 रुपये का तेल, उनको एनर्जी चाहिए, अभी गाड़ी का एनर्जी खत्म हो चुका है, तो एनर्जी डालते हैं फिर हम लोग निकलेंगे। जैसा कि हम पेट्रोल डाल लिए हैं, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मेरा ड्रेस कह सकते हैं कि हम फर्स्ट बार और हाफ पैंट में और टी शर्ट में आए, हालांकि इससे पहले भी इतना में कभी भी नहीं आए, लेकिन आज नहाना मस्ती करना तो भाई, और वो जींस अगर चलेगा ना तो इतना ही करेंगे, और देख सकते हैं हम लोग का ड्रेस यही है, और वहाँ जाते और अभी दिखाते, बहुत दूसरे इंजॉय लीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, फिलहाल बने रहेगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो नजारा और घूमिएगा नजारा, ये रीगा बांध है, उस पार जो पानी है फुल्ली है, पूरा भरा है, घूमरी एक ऐसा जगह हम लोग का एरिया में, यहाँ पे आप लोग, आपको ना हर एक सर्विसमैन मिलेगा कुमरी में। मैं दिखाता हूँ पानी का सैलाब और यहाँ से शुरुआत हुआ, और देख सकते हैं ये कुमरी का ईदगाह हुआ, और देख सकते पानी का क्या हाल है, खतरनाक पानी है, और इसके बाद जो मैं आपको बताया था कि रीगा पुल के बाद लगभग पूरा पानी फुल है, और देख सकते हैं गाइस कितना खतरनाक रेत भी चल रहा है, और देख सकते हैं इधर नहा भी रहा मजे कर रहा है, क्योंकि ये सब जो है ना पूरा पानी भरा पड़ा हुआ, और इधर जो देख रहे हैं आपको सफेद सफेद पूरा धान लगा हुआ, तो धान का खेती होता है और पूरा लगभग डूब चुका है। तो गाइस पूरा डूब चुका है, आपको दिखाते हैं, आपको एक चीज बताते हैं, ये रीगा नदी है जो गंगा से जुड़ा हुआ होता है, और अभी आप
अभी ये आप मेंटेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं कि आप ये नदी की जगह और खेत की जगह, ये हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ कि वो पोल जो देख रहे हैं, पोल आपको सामने दिख रहा और वो बांस, इसके बीच में नदी हम लोग का, और उधर भी खेत है और इधर भी खेत है, और आपको देख सकते हैं पूरा धान डूबा हुआ है, और बाढ़ के वजह से कितना नुकसान हुआ होगा आदमी को आप समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कितना खतरनाक रेत चल रहा है। अभी देखिए किसान भाई लोग, जितने भी किसान भाई सब धान लगाए थे, लगभग सब धान खत्म हो चुका, डूब चुका, अब बताइए। और अब किसान भाई इतना मेहनत से खेती करता और खेती का, और कुछ बताइए इतना नुकसान हो जाता है। और दरअसल और हम एक चीज़ आप लोग से कहना सकते हैं कि किसान भाई इतना मेहनत करते हैं, खेती डूब जाता है, अगर जब फसल बेचने का बारी आता है तो इतना कम कीमत में हम लोग को लगाया जाता है, और मेहनत बहुत ज़्यादा हम लोग का, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग का बहुत टाइम जाता है। और अभी बताइए शुरू से अंदर इतना हम लोग किसान हैं भाई, जितना भी खेती की, और आप वो देखा जाए तो अगर सामान आए बेचने का टाइम रेट आए तो रेट बहुत कम रहता है, और वही अगर हम चावल लेते हैं दुकान से 100 रुपये 150 रुपये किलो खरीदते हैं, तो बताइए 70 रुपये किलो खरीदते हैं, और अभी हम लोग जब बेचेंगे 10 रुपये किलो के भाव लेगा, तो ये गलत है। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और देखा जाए, क्योंकि हम लोग किसान भाई का बहुत नुकसान हुआ है, अभी नुकसान हो रहा, देख सकते हैं कितना पानी है, सैलाब भी। अभी आपको मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ कि हमारे इधर गांव भी है, गांव भी लगभग डूब चुका है, तो हम उस गांव में भी जाएंगे और आपको गांव भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा शुरू से अंत तक, चलिए हम लोग आगे चलते और दिखाते हैं। मैंने आपको रीगा पुल के ऊपर से दिखा दिया, और आगे चलते हैं इस ओर में, यानी बांध जो हम लोग का रीगा बांध है, इस उसके बाद उधर तो हम लोग का घर, उधर पानी नहीं आता, बांध मजबूत है, और इसके बाद जो इधर है पूरा खुला हुआ है, और इधर का जो गांव है पूरा लगभग बाढ़ पीछे ढका हुआ है, डूब गया है, तो आपको वो दिखाएंगे। तो आगे चल के चलिएगा, अभी यहाँ से थोड़ा 10-12 कदम के बाद रोड पे पानी चालू हो जाएगा, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए तो वीडियो में बने रहेगा। और देख सकते हैं कि वो घर आपको दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, देख सकते हैं कितना डूबा हुआ है, और बहुत ज़्यादा इधर दिक्कत होता है बाढ़ पीड़ित में, जब भी सैलाब आता है नुकसान होता है। और किसान भाई का खास करके मैं तो ये बात कहूँगा, जितने यहाँ पे सैलाब का पानी रोड पे चढ़ा हुआ है, तो फिलहाल थोड़ा कम हो गया, कल जो था ना बहुत ज़्यादा था, और देख सकते हैं कि गाड़ी वगैरह यहाँ पे, और इसके बाद जो गाँव है भरदरी गाँव करता, उसमें लगभग पानी बहुत ज़्यादा हो चुका, तो हम लोग चलेंगे और देखते हैं। और हमारे साथ में जितने भी टीम आए हुए हैं हम लोग साथ में जो नहाने के लिए, देख सकते सब आ रहे हैं, और देख सकते यहाँ पानी है कितना, बताइए गाइस नहाने आया ना आदमी लोग, नहाने आया ना, तो गाइस देख सकते हैं कितना खतरनाक पानी है। और अभी आपको दिखाते हैं भरदरी चल के, और दिखाते हैं कितना पानी यहाँ पे भरपूर, उसके बाद फिर अभी नहाएंगे एंजॉय करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे शुरू से अंत तक वीडियो। नीचे की तरफ गांव घर है, तो किसान भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप लोग बताइए इतना नुकसान, इतना फंसा करके हम लोग लगाते हैं धान वो लगाते हैं, और अभी डूब गया, और जब हम लोग बेचेंगे 10 रुपये किलो भाव बिकेगा, तो बताइए हम लोग के साथ गद्दारी होता नहीं, यानी किसान भाई हमारे साथ नहीं बल्कि पूरा जितने भी किसान भाई हैं लगभग सबके ऊपर गद्दारी हुआ है, और आपको दिखाते हैं। क्यों ये वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि अभी और भी एक गाँव को साथ में लेके चलेंगे और उसको भी दिखाएंगे कि नुकसान बहुत होता है निचले स्तर में जिसका भी घर वगैरह है। तो चलिए, और यहाँ भाई लोग नहाने भी आए हैं, क्योंकि सैलाब का मज़ा नहाने में ही मज़ा आता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि सैलाब का बांध पानी का एंजॉय करें। तो देख सकते हैं भैया लोग का, हाय गाइस, देख सकते हैं भैया, तो ये गाइस ये मेरा भाई है, लेकिन ये भरदरी से है, और हम भी इसी एरिया के हैं, इसी क्षेत्र से हैं, और हम लोग आए हैं इधर सैलाब का पानी, और लगभग ये जिस गांव के बताए ना उसी गांव का भी हम लोग जायजा करने के लिए जा रहे हैं, उस गांव में लगभग पानी बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग उधर से आएंगे तब नहाएंगे। फिलहाल अभी हम जाएंगे और दिखाते हैं भैया लोग अभी नहाने आए हैं। जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भैया को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग भाई हैं, ठीक है, थैंक यू गाइज, हमारा बात नहीं मानते, कम से भाई लोग का बात मान लीजिए। चलिए इसी बहाने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये लोग भैया लोग नहाने आए, देख सकते हैं यहाँ कितना खतरनाक रेत चलता है, और ये लोग ऐसे कूद जाते हैं जिस तरह की बहुत मुश्किल होता है। चलिए मारिए तो भैया, आप लोग भैया देखिए, ये रहा हम लोग का देहाती में स्टाइल कहा जाता है, और इस रेत में हर कोई घुस नहीं सकता है और जा नहीं सकता, और देख सकते हैं कितना खतरनाक रेत चल रहा है, देख सकते गाइज आपको रेत दिखा दें, देख जो भाई गए वहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए, देख सकते हैं कितना खतरनाक है, देख सकते हैं वो जो कहता है ना पानी जो नापता है ऐसे, वो था कहता हम लोग के भाषा लैंग्वेज में, अगर आप लैंग्वेज कुछ और बताता तो मुझे नहीं पता, और देख सकते हैं पूरा अंदर चला जाता है, तो एक कूदने जा रहे हैं, चले गए कूदिए, तो
यहाँ पे थाली जगह रुक सकते हैं, देख सकते गाइस नहाने का मजा एंजॉय हो रहा है। ये देखिए ये भी भैया क्या देख सकते हैं खतरनाक, तो गाइस देख सकते हैं खतरनाक नहाने। तो चलिए हम लोग चलते हैं भरी की ओर। एक भैया देखिए यहाँ से दूर से भी, दूर से भी दौड़ते हुए जाएंगे और देख सकते हैं गाइस, ये रहा देख सकते हैं गाइस किस तरह से मजा आता है नहाने में। इसे इसे कहते हैं हम लोग बिहारी का, बिहारी भाषा में एंजॉय और मस्ती करना सैलाब के पानी में। तेज गांव में और इधर जो मोहल्ला है ये रीगा पुल के बाहर, और उधर गांव नजर आ रहा भर्री है वो, और पूरा बुरी तरह डूबा हुआ, सबके घर में लगभग पानी घुसा हुआ है। तो हम लोग फिलहाल अभी भर्री की ओर जा रहे हैं और वहां पे देखेंगे पानी और देख सकते देखते हैं। और इधर धान पका हुआ देखिए, धान पक गया और पानी देखिए इतना खतरनाक है, बताइए ये लोग क्या होगा, नुकसान हुआ है ना, और भरपाई करेगा कौन, कोई नहीं। अगर सरकार भी अगर ले रहा है तो कितना 10 से 12 हज़ार देगा बस क्लियर कर देगा, लेकिन क्या फायदा ये चीज, ये गुहार कर रहा है, गवर्नमेंट से गुहार कर रहा है, प्रशासन से गुहार कर रहा है कि कोई आके बचा लो मुझे, कोई आके बचा लो। ऐसा हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम या फेसबुक में सर्च मारेगा ना आपको ऐसा हजारों वीडियो मिल जाएगा सहरसा सुपौल और भागलपुर का। तो हम इस चीज से रिक्वेस्ट करेंगे, इतना तो नहीं कर सकते, इतना रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, बिहार सरकार से कि आप लोग कुछ ध्यान दीजिए, जिस इलाके में बाढ़ पीड़ित वगैरह आता है ना इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, और इस चीज से जो छुटकारा होता है छुटकारा कराने की कोशिश कीजिए। और जो होता है और देख सकते हैं कि यहाँ पे और पानी घुस चुका है ये खेत, और ये देखिए घर वगैरह है, तो पानी अभी इधर हो रहे हैं अभी, और आपको दिखाता हूँ देखिए कितना खतरनाक पानी होता है। और लगभग हम लोग अभी घुसने वाले हैं वो गाँव वो मोहल्ला जहाँ बांध से पानी से भरा पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं कि इधर और गांव में जो होता है वो बाढ़ पीड़ित बाढ़ में जो मजा लेता है वो बिस्तर पर धोने का, इसका भी अच्छा खासा एंजॉय लेता है। घर में पानी घर वगैरह में बताइए ये लोग नुकसान है ही है ना, और देख सकते हैं यहाँ पे सब बाढ़ पीते का मजा ले रहे हैं सब यहाँ पे, और घर वगैरह में पानी घुस चुका है, कैसे रहेगा बताइए आप लोग। और ये लोग देखिए और देख सकते हैं बाढ़ पीत की वजह से इधर जो है ना वो देख सकते हैं गाजी बाढ़ पीत की वजह से धीरे धीरे गाछ ही पूरा पलट जा रहा है, पूरा जाम हो गया देख सकते हैं, और इस गाछ में ना मधुमक्खी का छत्ता भी है, और अभी रास्ता क्लियर कराने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है और गाछ काट रहा है। ये बाढ़ पीत की वजह से बताइए इतना बड़ा घास है और पानी की वजह से अगर पूरा गिर जाता है कोई व्यक्ति या कोई इंसान कर पाओगा अगर वो गिर जाता तो क्या हाल होगा, और कार को लेके डुबा हुआ पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और मधुमक्खी का छत्ता भी देखिए वहाँ पर नजर आ रहा है, मधुमक्खी का छत्ता है और भैया मेहनत कर रहा है। ये पेड़ के गिरने से वजह ये पोल वगैरह जो तार है 11,000 इसको ले डूबा और गिरा दिया है, तो बताइए बिजली भी बंद है सब कुछ बंद है, एक बार की वजह सैलाब की वजह कितना नुकसान होता है, और लाइट वगैरह सब बंद हो गया, बिजली जिसको कहता है लाइट और बिजली, तो एक लाइट होता है एक बिजली होता है, समझे अंतर ना कीजिएगा आप लोग, हम पहले दोनों वर्ड बोल देते हैं एक ही बार में समझ लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मछली भी मारते हैं लोग, मछली भी देखिए ऐलान हो भैया मछली कोठी ऐलान, चलिए देख सकते हैं मछली यहाँ पे जाल चल रहा है एक इधर दो जगह। और असल में अगर एक बात कहा जाए तो सैलाब का जो मजा ले रहा है ना, सैलाब का जो मजा ले रहा है असल में ये लोग मजा ले रहा है सैलाब का, जो फायदा उठा रहा है घर में पानी तो घुस ही गया लेकिन सैलाब का मजा जरूर ले रहा है, ये एक बार में बिस्तर सब धोधा के बाहर देख सकते हैं। तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक था, हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ता से, और देख सकते हैं इस घर में पानी घुसा हुआ है पूरा आंगन में देख सकते हैं गाइस, और इधर पानी भी पूरा भरा हुआ है घर, देखिए आगे देख के चलिएगा वरना ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाने देखने नजर कहीं और गाड़ी कहीं और पता चलेगा हम कहीं और, तो नजर को बचाते हुए चलना और गाड़ी के हिसाब से, और नहीं आप थोड़ा आप लोग जो चलाते गाड़ी ना नजर इधर रख के, आप में पानी घुस गया कैसे भागेगा वो बताइए, बाथरूम पानी घुस गया भागेगा कैसे बताइए, तो कहाँ आगे आप यहाँ पे देखो पान पानी हो कितना खतरनाक है बताओ, ये डूबले गाँव क्या हुई हो सकते हम लोग भर्री आ चुका, भर्री में देख सकते हैं गाँव पूरा डूबा हुआ घर में पानी घुसा हुआ पूरा बुरी तरह से, और मैं आपको देख सकते हैं पूरा पानी घुस चुका गांव में सबका घर में। गाइस जैसा कि आज हम लोग निकले हैं पानी का जायजा लेने, और आपको मैंने दिखाया भर्री में पानी, और उस निचली इलाका नीच दिखाता हूँ और उस तरफ जाता हूँ जायजा लेने के लिए, उधर तो मैंने दिखा दिया कि उधर थोड़ा रास्ता ब्लॉक हो गया इसलिए मैं अंदर नहीं जा सका,
क्योंकि रास्ता ब्लॉक है तो गाड़ी जाएगी नहीं, और जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कोई दूसरा रास्ता पकड़े और दूसरे तरफ चले हैं, अभी जायजा लेने के लिए। और उधर का पानी का देखते हैं स्तर कितना बढ़ा हुआ और कितना घटा हुआ। फिलहाल अभी रात से जो लगभग जो ना पानी लगभग थोड़ा बहुत घट रहा है, तो अभी भी फिलहाल बहुत पानी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ पानी का क्या पानी है और कैसा पानी है बढ़ रहा और पानी आने से कितना नुकसान होता है। और आपको फिलहाल मैं पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि पानी की वजह से हमारे किसान भाई को बहुत नुकसान हो रहा है। और देख सकते हैं पुलवा, इधर पुलवा टूटा हुआ है, इधर पुलवा टूटा हुआ जाएगा किधर, और देख सकते हैं हो नीचा हो देख सकते हैं। हम लोग हर तरह से चाहते देखने के लिए, स्तर पता करने के लिए, और देख सकते हैं हम लोग इधर भी आए थे, इधर भी रास्ता ब्लॉक है, पुलवा टूटा हुआ और यहाँ पे रेत चलता है, देख सकते हो घेगवा फंस रहा है। और देख सकते हैं हम लोग सब गाड़ी लेके आज बताइए इतना घूम रहे हैं, इतना सुबह से दो घंटा से लगभग पानी का जायजा ले रहा है। और देख सकते हैं कि इस वजह से वीडियो हम बार बार कुछ बोल रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पानी। और देख सकते हैं घरों घर में कितना खतरनाक है पानी, घर डूबा हुआ है और इधर पुलवा टूटा हुआ है, उधर कहाँ जा हर्री पंचायत है, भर्री पंचायत है। और देखिए छोड़वा को गाड़ी गाड़ी कैसे उड़ा रहा है, देख सकते हैं गाइस। फिलहाल अभी रोड पे हम लोग चल रहे हैं और रोड पे पानी है यहाँ पे, और देख सकते हैं इधर धान पकने वाला और डूब गया पानी की वजह से, पूरा धान बर्बाद हो रहा है। और हम लोग अभी चल रहे हैं पानी में, और अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग तीन गाड़ी और तीनों गाड़ी पानी में है। और अभी देख सकते हैं पानी का स्तर कितना बढ़ा हुआ, और अभी देख सकते हैं कि पानी कितना है, और आपको मैं बता दूं कि पानी कितना है, देख सकते हैं पानी की वजह से हाफ पैंट बन गया। और ये मोटरसाइकिल देखते ले जा रहे हैं अभी पानी की वजह से, और कितना पानी डूबा हुआ इतना देख सकते हैं आप। और बताइए इस ऐसा पानी में अगर ऐसा गाड़ी निकालेगा तो बताइए गाड़ी का लिमिट क्या रहेगा और कितना दिन टिका होगा। तो बताइए उधर देखा सकते हैं कैमरा मैन कि उसका क्या हाल है गाड़ी लोग का। अगर इस पानी में अगर गाड़ी बंद हो जाए तो गाड़ी खराब हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, तो बताइए इससे कितना नुकसान है। बताइए दो महीना नहीं हुआ था बाढ़ आने से, ये दो महीना बाद फिर बाढ़ आ गया, तो बताइए कितना नुकसान होता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे धान दिखाई कैमरा मैन, और देखिए धान पूरा डूब चुका है, इतना तो दिख रहा है, इतना एक उंगली दिख रहा है। तो बताइए धान का क्या हाल होगा, और धान पर गया पूरा धान बर्बाद हो रहा है किसान भाई लोग का, बताइए। तो चलिए आपको और आगे दिखाते हैं गाइस। एक चीज आपको दिखाता हूँ, सबका पिछवाड़ा भींगा हुआ है चप्पल की वजह से, हमारा भी भींगा हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा नहीं है, सबका भींगा हुआ है क्योंकि पानी है, पानी चुप चुकी नहाएंगे ऐसी बात नहीं है, मस्ती तो करेंगे। अरे गुबला पानी ना खाली में लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, नहीं तो जवानी बर्बाद है। अभी तो हम लोग आए हैं आज ये सैलाब के अंदर घुस के, तो एक दूध वाला भैया जो गाड़ी धो रहे हैं, तो हम कभी कभी कहावत में सुने थे कि अगर दहिया जो दूध वाला होता ना, अगर रास्ते में पानी मिल जाए पानी मिला देता है। तो आज सामने है भैया, इसे थोड़ा पूछते हैं कि ऐसा होता भी है क्या। तो चलिए हम थोड़ा इससे ही मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। कहा भैया आ गए दूध बेच के। अच्छा कहावत सुने थे समझे, कि अगर कभी मिल जाता दूध वाला भैया लोगों को कहीं पानी, तो दूध में पानी मिलाता है, कहा सही है बात है। हाँ तो कहीं ऐसा तो न है कि यहाँ पे पानी मिलाने के लिए रुके हुए हैं। बांट दिया है इन्हें भैया, एक भैया गलत नहीं करते हैं, है ना। बोल भी यही करेगा, ये कहावत मशहूर हो गया है। देखिए छोड़वा सबको देखिए भैया गाड़ी का बर्बाद, सबको भैया टेंशन रहने का, कहा इसको टेंशन आगे का, कहाँ पानी है तो बताइए। है देखिए पनिया खेत डूब गए बा, हो खेत डूब गए बा, का हुई अरे जाबुन रे गाछो में, गाइस देख सकते हो जाबुन का गाछ, लेकिन फिलहाल अभी जाबुन नहीं है, अगर जाबुन होता बहुत मजा आता चढ़ते। देखिए देखिए चढ़ाने इतना भाई, देखिए आती उठाई लोग, वाह ए देखिए गाइस लोग कैसे गाड़ी चलाता है, ये बिहार बा, बिहार में कुछ भी होइल बा, ये बिहार है, पानी है तो क्या हुआ इसमें, ये तो बाइक के है, यहाँ तो कारो चल जाई हो तो बाइक के चला ला। देख चल रहा है, देखिए कितना देर चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन रेत चल रही है, रेत चल रहा भाई गाइस। और देख सकते हैं कि हम आपको भाई बार बार मैं दिखा रहा हूँ, इधर सैलाब आया हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आदमी लोग को, और पानी में किस तरह जाना आना कर रहा है वो भी देख सकते हैं, कितना मुसीबत परेशानी हो रहा है। और हम लोग भी पानी में चल रहे हैं, हम लोग का पानी देख सकते कितना है, तो देख सकते गाइस ये हमारा कदरा भाई है फैजान अशरफ, देख सकते गाइस जिंदगी झंडवा पानी में फिर भी घमंडवा, आई लो देखते गाइस रोड टूट गया पानी से, पानी की वजह से, पानी की वजह से रोड बर्बाद हो गया, देख सकते बीच में रोड है दोनों तरफ पानी, सिर्फ रोड दिख रहा है, अगर हल्का सा और पानी बढ़ जाता ना तो देखते क्या हाल होता पानी का।
एक गांव में खोलिए और निचले स्तर में जितने भी रोड है, ये निचले स्तर में जितने भी रोड, अगर रोड खराब होता है तो सिर्फ पानी की वजह से, अगर पानी जाने की वजह से रोड खराब होता है तो ये ध्यान देना चाहिए रोड के ऊपर कि अगर रोड कहीं भी अगर निचले स्तर पे रोड बना हुआ बीच में तो रोड को थोड़ा ऊंचाई करे ताकि उससे रोड बचे। जो रोड 5 साल जाना चाहिए वो रोड सिर्फ 1 साल में बर्बाद हो जाता है। देख सकते रोड का क्या हाल है, इतना बुरा तरह से हाल है। ये बिहार है, बिल्कुल खराब हो जाता है, रोड बहुत टूट जाता है। जो रोड 5 साल चलना चाहिए वो रोड 1 साल के अंदर बर्बाद होता है, तो ये सब गलत बात है और इस चीज़ का इंतजाम करना चाहिए। गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ गांव चौना आ चुके हैं और चौना में देख सकते कि रोड पे पानी है और देख सकते हैं आवागमन कितना दिक्कत होता है, परेशानी होता है और देख सकते हैं कितना खतरनाक पानी है। अभी थोड़ी दिक्कत है, पानी देख सकते गाइस और पूरा फुल्ली है, पानी देख सकते हैं कितना डूबा हुआ भाई, रोड पे चल रहा गाइस, रोड पे देख सकते हैं खतरनाक है। गाइस अभी आपने देखा कि हम लोग गाड़ी में तीन आदमी टेम्पर लोग हैं, इसीलिए गाड़ी चलाए, गाड़ी जो लगाना मुश्किल है। अगर गांव देख सकते हैं और यहां पे और स्कूल दिखाते हैं आपको गाइस, ये देखिए गांव घर कैसे डूब जाएगा और स्कूल देखिए, स्कूल जो ना डूब चुका है पानी से, स्कूल में पानी है देख सकते हैं, बताइए ये है सैलाब। और बताएं गाइस अगस्त तो अगर सैलाब आता है और अभी देख सकते हैं आज 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर का पानी है, देख सकते हैं स्कूल पूरा डूबा हुआ है और देख सकते हैं पानी और इधर देख सकते हैं पानी का, देखिए मजा कितना खतरनाक ले रहा है और सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, रोड भी नहीं दिखा रहा, पानी पानी पूरा दिख रहा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी और देख सकते हैं कितना खतरनाक यहाँ पे रेट चल रहा है। ओ भाई, ए भाई कितना रेट चल रहा है खतरनाक, ए रुको हो, ए रुको, ए नेक्स्ट दे बाप रे, ओ भैया ए हो गया हो गया, ए न दरवाजा कोई दिखा नहीं चला रहा भैया, देख सकते हैं यहाँ पे रोड सेट टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है ना, वो देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक पानी है और रेत चल रहा है यहाँ पे। चाची देखिए फायदा उठा रहा बारिश का, सैलाब का, कहा चाची इसी मौका फायदा उठाते हैं ना, देख सकते हैं ये मच्छरदानी धो रही है और देख सकते रेत चल रहा है, देखिए कितना खतरनाक है, थोड़ी रेत चल रहा है और देख सकते गाँव पूरा डूबा हुआ गाइस, अब बताइए भयानक रेत है, रोड टूटा हुआ पता नहीं, देखते हैं कहीं हमको ना बसा ले, देख सकते गाइस क्या खतरनाक सॉलिड पानी, नहाई हो अब नहाने के लिए रेडी है, खुला बदन नंगा बदन देख सकते हैं, ये भी है ये भी है। और फिलहाल अभी मैं भी होने वाला हूँ, मैं नंगा नहीं हूँ, बस इतना ही रहेगा मेरा, इतना चलेगा, भिगाएंगे कोई दिक्कत नहीं और इन्जॉय करेंगे, वीडियो देखेगा शुरू से अंत तक, अगर मजा आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको भी दिखाइए और इन्जॉय कीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए हम नहाते और दिखाते हैं आपको, तो गाइस हम भी नहाने चल गए हैं, अब जा रहे हैं क्योंकि वो लोग तो नंगा आसमान नंगा बदन जा रहा है, हम नंगा नहीं हो जाएंगे, हम इसी तरह नहाएंगे, एंजॉय करेंगे फुल एंजॉय। और देख सकते हैं रेत कितना खतरनाक चल रहा है, गलती से भी अगर इंसान मिस्टेक हो जाए ना इसके बहाव में कितना दूर खींचेगा कहना मुश्किल है, तो गाइस बहुत मुश्किल है यहाँ पे, थोड़ा बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा और कदम जो हम लोग नीचे रखते हैं कदम वो भी ऐसे उड़ता है, देख सकते हैं देखिए ऐसे भसा रहा है, बुरी तरीके से भसा रहा है भैया, क्या खतरनाक डेंजर नज़ारा है, देखिए झुलना भैया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा लेकिन नहाएगा रे भैया, ए हो लत्ती ए सांप 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 भैया, ये देखे ना हो जा रहा है कौन सी है लत्ती है गाइस, ये देखे इधर रोड है, इससे आगे रोड ना है बच जाइएगा, इधर से इधर रोड नहीं है, यहीं तक रोड है, रोड यहीं तक है, गड्ढा है भैया, ए भैया हेलन ना आवे छे, चलो हम ले ए हो देखिए हो देखिए हो छोड़ा देखिए भाई गाइस, पानी कितना खतरनाक स्पीड जा रहा है और हम लोग कदम जो बढ़ा रहे हैं डर डर के कदम बढ़ा रहे हैं, कहीं पानी के बहाव हम लोग भी ना चल जाए, सुना आराम से आराम आराम से, और गाइस देख सकते हैं पानी के इतना बहाव है ना, और हम लोग कदम जो उठा रहे कदम वो भी डर डर के उठा रहे, कहीं कदम पानी के बहाव में कदम ना चल जाए, ये वहाँ देखिए जुगाड़ जिसको तैरने नहीं आता है बस, अभी गाइस हम ना उसी को जाके पकड़ेंगे और आराम से बैठेंगे, पानी बहुत तेज है, ये देखिए हो छोड़ा देखिए कहाँ चल गया, हो देखिए ये उसको नहाने हेल नहीं आता है, ये भैया ये जुगाड़ है ऐसे पकड़िए बैठिए, पानी खतरनाक गाइस, ये समुंदर है देख सकते हैं हमारा बिहार का, और हम लोग नहाए हुए हैं, नहाने के लिए आए हुए हैं,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भाई बैठ जाए सही से खींची तो ना वो गाइस क्या समुंदर का लहर है वो अभी को बता रहा हूँ देख सकते कितना खतरनाक है पानी का बहाव कितना तेज है शानदार ये देखिए लहर पानी का लहर कितना खतरनाक है गाइस जिस तरह से देख सकते कि मौसम बहुत खराब हो चुका है हे वाह हे वाह हे वाह हे वाह ए हो कितना पानी छन कितना पानी है हो कितना पानी छन हो पानी चलो ओ सही बताइए खड़ा हो जाए तो ए भैया हम लोग को तैरने ना आता दोनों तैरने आ भाग गए हम लोग कहां जाएंगे अब हम लोग यहां लहर पकड़ता है बैठिए ना देख सकते हैं गाइस अनिल का रिएक्शन देखिए देख सकते गाइस ये पानी का बहाव कितना तेज है बहुत तेज है गाइस बहुत तेज पानी का बहाव तो इससे बचने की कोशिश करें हे हो हे देखो हे छोरा देखो कैसे नहावे छे हे देखो कैसे नहावे छे हो हे होकरा देखो होकरा वे डोरे लगे जे का है छे ये पैर ने पकड़ियो पैर हे देखो ये एकरा इतने पानी में पानी पी लेल के हो ए देखो पानी पी लेल के छोरा देख सकते पानी का बहाव इतना तेज और नहा रहे देखिए छोरा को भाई हम तो नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे तैरने के लिए नहीं आता है तो हम इस वजह से नहीं जा सकते और जिसको तैरने यानी खेलने के लिए हमारे देहाती भाषा में जो कि कहता है नहाना खेलना वो भी कहता है उसको देखिए छोरा को देखिए नहाने चल गया ये है ना वो देखिए गाइस वो देखिए घेगवा वो क्या आ गया बड़ा सा गाइस हमको तैरने नहीं आता हम फिर भी जा रहे हैं अंदर अंदर देख सकते हैं इतना पानी है यहाँ पे देखिए मेरा इतना पानी हो गया अभी बताइए कितना पानी होगा अंदर हम जबकि रोड पे अभी रोड पे भैया रोड पे देख सकते गाइस इतना पानी है अभी और पता नहीं कितना पानी देखिए छोड़वा सबको पानी के बहुत है खरार हल बात मजा नहीं करो डर के आगे जीत है जितना डरोगे उतना जीतोगे क्योंकि मुसीबत आता है ना कामयाबी का रास्ता दिखाता है एवा देखिए चड्डी पहन के छोड़वा है एवा देखो हे देखो नाम खराब कर दिया है ये गार खोल के हो गाड़ी में सांप घुस ले गाड़ी में सांप घुस ले ए भैया आप ना हुई हो ए बुरा कल आने रही हो हेरल ना बजे तेरे को दिक्कत पीछे नहीं ना पीछ नहीं देखिए नहाता है ये स्विमिंग पूल का मजा ले रहा है ये सॉलिड वाटर पार्क यार देखो कंडामुस ये है नहाने का मजा ये है नहाने का असली मजा ये देख कान उठा रहा ये असली मजा हम क्या चलो 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 ए देखिए छोरा को
और देख सकते हैं कि ये तेज रफ्तार से अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे। अगर हम लोग अभी खड़ा रहते हैं तो बताइए हम लोग का क्या होता। हम लोग इसी को देखते हुए वहाँ से इधर आ चुके हैं ताकि जो घेघवा आ रहा है ना, घेघवा उसको हम लोग को लैंग्वेज घेघवा कहता है। अगर आप लोग की लैंग्वेज में अगर कुछ और कहता है तो मुझे नहीं पता, अगर कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग का लैंग्वेज में क्या कहता है। अगर वहाँ पे हम लोग रहते तो बताइए अभी हम लोग का आलम क्या होता, अभी हाल क्या होता। उसके साथ साथ में हम लोग को भी ले चला जाता। देख सकते कितना रफ्तार और कितना तेज है और कितना बाहो है और कितना फास्ट चल रहा है, देख सकते हैं कि। और ये देख सकते हैं ये दो जो है जल फड़ा जो नहा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे एक ये है। जिंदगी का मजा तो यही लोग ले रहा है, हम लोग तो सलाह देख रहे हैं खाली, बताइए तो है। देखिए गांव पलटा के सोया हुआ यहाँ पे पानी नहीं, देखो यही इसको देखिए, देख सकते हैं अभी हम लोग का पानी कितना खतरनाक है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे और अभी नहाएंगे क्योंकि अभी तक मैं आया था जो सर अभी तक नहीं भी आया हूँ, तो फिलहाल मैं अभी अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का नजारा। कुछ होता है देखिए, ये बोलता है देखिए इसको धान खेती नहीं ना, ठीक हम बाबू आज हम नाचे ऐसे आज है पुलू पानी, आज है पुलू पानी। देख सकते पानी हेलन लगा मेरे को, हम हेलन लगा नहीं थे। ए नाक बन के अंदर चल गया, ए बा घुस ले छोड़ा डूब ले। गाइस नहाने में मजा आ रहा और सैलाब का मजा। ये जो सैलाब है अक्टूबर वाला और अभी जो बारिश हुआ 3 दिन उसका सैलाब है, उसकी वजह से अभी पानी आया हुआ है हमारे क्षेत्र में। और देख सकते हैं ए वहां कितना गिर रहे हैं, पैसा गिर, पैसा भाग ले हो मत जा। ये अभी ऊपर नहीं हम पकड़ते जाके। तो गाइस अभी जो है ना वो शादी का खजाना भाग चुका है, तो ये रहा पन्नी, इधर पन्नी फट गया, इसका पन्नी भाव में भाग गया था। और देख सकते हैं है बच्चा सबको, देखिए छोटकुन्नू सबको नहाता है ना रे, पानी का मजा लेता है। और चाची सब भी नहाती है इधर, ठीक है चाची तो ऐसा खूब मजा लेते पानी ना। हाँ सही बोल रहे हैं, हेला जाना झेला वाह वाह क्यों ले हेला नहीं जाना है हम लोग सब हेला नहीं जाने चाहिए हमारा डूबी जाए छाकिल में तो बर्बादी हो जो तो ना ना लग जाओ। गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे और फोर है रोड पे, ये बिस्तर है और उधर बहुत ज्यादा पानी बहा हुआ था तो हम लोग सोचते थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते, जैसे कि वाटर पार्क में देखे हुए कुर्सी लगा हुआ है तो हम लोग का फिलहाल ये कुर्सी बना हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस कितना मजा कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, समझ में आता रहो कहा हो, चली चली घर चले चल रहे। देख सकते हैं यहाँ बांध के सैलाब और रोड, ये होता है क्या स्कूल के ऊपर, और सब देखिए नहा रहे हैं सब मिलके, स्कूल में पानी घुस चुका है बुरी। और देख सकते हैं मजा ले रहा है लोग, धो रहा है बिस्तर वगैरह सब यहाँ पे बिंदास होकर के। और देख सकते हैं गाइस घर में आप सोचिए जिसका घर में पानी है किस तरह से वो रहता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो लोग कितना बड़ा मजबूरी है, मुसीबत है। इस पानी के बहाव में ना चप्पल हम लोग का चला गया था, अभी ये बंदा जो अभी चप्पल लेकर आया वहाँ से, अगर अभी सोचिए अगर ये चप्पल की वजह अगर हम लोग गाड़ी स्लो करते तो गाड़ी हम लोग का चला जाता और देखा जाए कितना। और हम लोग बहुत अभी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इतना तो आपका सपोर्ट बनता है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतना हम लोग कर रहे हैं, इतना रिस्क से लेके वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है कि एक लाइक आप लोग करते आप लोग पे बनता है। तो हर कोई जितना भी वीडियो देख रहे ना
तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, बगैर लाइक का वीडियो से जाइएगा और वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि बहुत रिक्स से लेके वीडियो बना रहे हम, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि घर वगैरह में पानी घुसा हुआ। अब सोचिए जिसके घर में पानी है वो बंदा किस तरह रहता होगा, किस तरह रहता होगा घर वाले लोग, अब बताइए कितना मजबूरी होगा। अगर आप लोग के घर में नहीं, आप लोग सोचते और थोड़ा सा हम लोग के घर में पानी हो जाता तो कितना मुसीबत होता। और देख सकते हैं लोग घर में कितना पानी है, देखिए अभी रोड पे चल है पानी। हाँ देखिए दादी क्या बोल रही है यहाँ पे, क्या बोले दादी, यानी आज पानी कम हो गया है। देख सकते हैं दादी बता रही क्या, कल यहाँ पे ना कमर भर पानी था और पानी आज घट गया है। और देख सकते हैं अभी घेगवा जहाँ तहाँ से चल रहा है निकल के आ रहा है, बताइए इसके झोंक में आ जाए तो क्या होगा, बहुत मुसीबत है। देखिए ये देखिए चाचा भी है यहाँ, मुसीबत ही मुसीबत है गाइस। जैसे कि आपको मैं दिखाया पानी और बहुत देखिए, और अभी हम लोग का जाना वीडियो अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। सपोर्ट किया शेयर किया तो जरूर दूसरा वीडियो फिर इससे और बम्पर जो शानदार बाल प्रीत है और है शेयर कीजिए आप लोग, ताकि हम लोग भी सपोर्ट कीजिए और इसी वजह से हम लोग करते हैं। और जब तक ले बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।